अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो पहले आपने किया था 2008 और 2009 का पेपर, अभी 2010 और 2011 का करेंगे, फिर हम 2012 और 2013 का, फिर 2014 और 2015, फिर 2016 और 17, फिर 18, 19, 20 का ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो दो करके हम कर रहे हैं, तो अभी हमने दो अपलोड किए हैं, तो दो और अपलोड करेंगे पेपर। तो अभी 2010 और 11 करने लगे हैं, तो अगर आप ये कर लेंगे, आपके 60% एमसीक्यू यहीं से आते हैं, कहीं बायोलॉजी चेंज नहीं हो जाए, यही रहेगी और इसी में से आएंगे। बुक लाइंस आर प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन क्लास एराकिनिडा। एराकिनिडा के अंदर ये बुक लाइंस होते हैं, ये याद रखते हैं आपने। लार्वे ऑफ विच ग्रुप आर सिमिलर टू कार्डेट्स, ये काइंड ऑफ डर्मेटा के जो है कार्डेट्स के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच इन्वॉल्व द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल इन द सेल इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट टू ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड, पहले ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर। अच्छा, ये फोटोमीटर के अंदर ही स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाते हैं और स्पेक्ट्रोमीटर आ जाते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन इसमें फोटोमीटर है, क्योंकि फोटोमीटर की सब क्लासें आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फोटोमीटर या दूसरी हैं फोटोमीट्री डिवाइसेस। एंड प्रोडक्ट ऑफ यीस्ट फर्मेंटेशन, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये बिल्कुल सिंपल है। यीस्ट में अल्कोहल आती है, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, और जो आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, एंड प्रोडक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, लेकिन इससे पहले लैक्टिक एसिड बनता है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग्स व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलेज इन डाइजेशन, माइलेज क्या करता है, इट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट स्पेशली स्टार्च, ठीक है, स्टार्च को ये ग्लूकोज माल्टोज एसोमाल्टोज के अंदर डेक्सट्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है, माइलेज स्टार्च की डाइजेशन करता है, और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। वेयर इज द इलियो कोलेक स्फिंक्टर लोकेटेड इन द योर बॉडी, ये आपको पता ही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन और इलियन के जंक्शन जो होता है उसमें ये इलियो कोलेक स्फिंक्टर होता है। द टर्म विच इज इम्प्लाइड टू द लॉस ऑफ एपेटाइट ड्यू टू फियर ऑफ बिकमिंग ओबेसिस, ये बार बार रिपीट होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, लड़कियां क्या करती हैं, मोटापे को कम करने के लिए पतली होती हैं, जब वो वीक हो जाती हैं, इनकी हड्डियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर उनको ये डिजीज हो जाती है, क्योंकि माइंड पे सवार हो जाता है कि अगर थोड़ा भी खाएंगे तो मोटी हो जाएंगी, तो उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इन मैन, ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ये तकरीबन हर पेपर में पिछले में रिपीट हुआ है, 2006 से लेके 2009 तक एनोरेक्सिया नर्वोसा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इन मैन, इट्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, पीएच जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजनेशन और डी ऑक्सीजनेशन स्टेटस को चेक करने के। अगर पीएच लो है, पीएच अगर लो है तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड ने कार्बोनिक एसिड ज्यादा बनाया, ठीक है, तो ये डीऑक्सीडेटेड फॉर्म शो करती है। एक्सपायरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज कैरीड आउट बाय रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकोस्टल एंड डायाफ्राम मसल, जब वो रिलैक्स करेंगे तो फिर एक्सपायर हो जाएगी एयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिकर्सर ऑफ स्टीरॉइड हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये एक स्टीरोल है, कोलेस्ट्रॉल और ये बनाता है स्टीराइडल हार्मोन, बाइल साल्ट और बहुत सी चीज़ें, कोली कैल्सीफाइनोल वगैरह, ये सारी विटामिन डी वगैरह ऐसे। ग्रैन्यूलोसाइट आर वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो सेल्स, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट गाइड द फंक्शन ऑफ
साइनोआर्ट्रियल नोड। तो पहले ही फंक्शन इसका सीक है, सेंड्स आउट इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू आर्ट्रियल मसल कॉजिंग बोथ आरटीआर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, द फ्लो ऑफ लिम्फ इन द लिम्फेटिक वेसल इज मेंटेन्ड बाय ब्रीथिंग मूवमेंट एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड वॉल्व्स। तो ये सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। तो ये फंक्शन है इसका फ्लो रेट का, लिम्फ का। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यूरिक एसिड होता है न्यूक्लिक एसिड का, यूरिया होता है प्रोटीन का, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन होता है मसल की डाइजेशन। द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन एंड क्लियरेंस ऑफ द बॉडी इज लीवर। लीवर में जो है वो सी में जो है वो प्रोड्यूस होती है और प्रोसेस होती है। तो लीवर जो है वो मेजर जो है वो ऑर्गन है जो ये सारी चीज़ों को प्रोसेस करता है। द मसल दैट कंट्रोल द यूरिन इन ब्लैडर आर नोन एज स्फिंक्टर मसल। ये स्फिंक्टर मसल जो कंट्रोल करता है यूरिनेशन को रेट। द लाइनिंग लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट। ये कॉन्ड्रोसाइट की डेफिनेशन है। तो आपको डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि बड़ी अच्छी आनी चाहिए ज्यादा। द डिजीज विच कॉज इमोबिलिटी इमोबिलिटी एंड फ्यूजन ऑफ वर्टेब्रल जॉइंट्स, ये इसको हम स्पोंडिलोसिस कहते हैं। स्पोंडिलोसिस ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड ऑलवेज शॉर्ट, जो आई बैंड होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इंपल्स को देखें हो जाती है तो उसमें पॉजिटिव ज्यादा होता है बाहर की तरफ और अंदर नेगेटिव होता है। द फर्स्ट सेल प्रोड्यूस बाय पीटेट सेल रीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस आर स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये प्रोड्यूस होता है पीटेट सेल रीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट, अगर आप देखें तो सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है, उसके बाद एस्ट्रोजन बनता है, उसके बाद लुटिनाइजिंग हार्मोन बनता है, फिर प्रोजेस्टेरोन बनता है फीमेल्स में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विच क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी इन ह्यूमन कॉज अग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर। इसमें दो वाई हो जाते हैं जिसकी वजह से अग्रेसिव बिहेवियर ज्यादा आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच आर टाइप ऑफ क्रोमोसोम डिफेक्ट्स पॉइंट म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया भी और हीमोफीलिया। ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस लार्वल एपिडर्मिस, जो ग्रे इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म होता है वो लार्वल एपिडर्मिस प्रोड्यूस करता है। द कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल इज नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है। ये कैरियोटाइप की डेफिनेशन है कि इसमें नंबर और टाइप ऑफ क्रोमोसोम आपको पता हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगिन एट वन आर मोर प्लेसेस वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक सीक्वेंस, देयर इज ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ होता है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। इसलिए ये कहता है कि वन आर मोर प्लेसेस वेयर देयर इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसको कहते हैं एटीएस सीक्वेंस। जहाँ पे रीजन ऑफ एप्लीकेशन होता है वहाँ पे एटीएस सीक्वेंस ज्यादा होता है।
minus attaches at which site of RNA? 3 prime site where the terminal hydroxyl group, carboxylic group, yeah, hydroxyl group. Microtubule of spindle fiber are composed of protein tubulin. ये भी तो बिल्कुल सिंपल सा है कि माइक्रोट्यूबुल ट्यूबुल्स किसके बने होते हैं, ये ट्यूबुल और प्रोटीन के बने होते हैं। द काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड स्पिंडल्स आर कोर फाइबर एलॉन्गेट ड्यूरिंग एनाफेज 1। ठीक है, ये भी सिंपल है। सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस, इसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस की डेफिनेशन है, मैंने कहा डेफिनेशन तो आपको बड़ी अच्छी आनी चाहिए। When a disease is transmitted directly from an affected father to his son, it is called Y-linked. अगर father से directly बच्चे में जा रही है तो वो Y-linked हो, क्योंकि Y chromosome सिर्फ male के अंदर होता है, female के अंदर नहीं होता। Epistasis is a relationship between two genes, two different genes at different loci. जो एक fact दूसरे के fact को या तो कम कर देता है या ज्यादा कर। अल्बिनिज्म का जीन कौन से क्रोमोसोम पे होता है? ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे होता है। जीन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी फ्रॉम सिंगल आरएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, लेकिन इसमें जो रैम वाला होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मिड ऑफ PBR322। इसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन दोनों का रेजिस्टेंस जीन मौजूद होता है। क्लोनिंग इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो हर पेपर में बार बार रिपीट हो रहा है। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज शेयरिंग कॉमन जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पे स्पीशीज मिलकर इकट्ठी रहती हैं वो पॉपुलेशन बनाती है, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज कॉमन इन मैन एंड एरोबिक बैक्टीरिया? साइटोक्रोम सी जो है वो बैक्टीरिया में भी होती है और मैमल्स के अंदर भी होती है। ओजोन फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन इन द अपर एटमोसफेयर, अपर एटमोसफेयर के अंदर ही ये क्लियरेंस हो जाती है। ए पैरासाइट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट इज कॉल्ड एंडो पैरासाइट। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, एंडो पैरासाइट जो अंदर रहता है। एन एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म बेनिफिटिंग बोथ इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। मोस्टली जो आपको एमसीक्यू पाते हैं वो सिम्बायोसिस के आते हैं, जिसमें होस्ट और गैस दोनों को फायदा पहुंच रहा होता है। इन एक्वाटिक इकोसिस्टम ह्यूमन एक्टिविटी में एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन की ये बहुत ज़्यादा, ये भी हर एग्जाम में ऑलमोस्ट रिपीट होता है यूट्रोफिकेशन। पेरीपेरी डिजीज इज ए न्यूट्रिशनल डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन विटामिन, तो ये न्यूट्रिशनल डिजीज है जो थायमिन की डेफिशिएंसी। द नेचुरल हीट एनर्जी दैट अंडरग्राउंड इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। Which of the following is the lowest level of biological organization with respect to other multicellular organisms? ये lowest organization है। When an electron pair is shared between two atoms, तो उसमें single covalent bond बनेगा। अगर दो atom के दरमियान है तो एक single bond, अगर three atom के बाद वो साथ होगा तो बोलता है बात सिंगल बॉन्ड। द फर्स्ट माइक्रोब टू हैव द जीनोम कंप्लीटली सीक्वेंस्ड एंड वाज पब्लिश्ड ऑन जुलाई 28, 1995 वाज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा का जो जीन है वो सबसे पहले सीक्वेंस हुआ था। एंड एक्टिवेटेड एंजाइम द सिस्टम ऑफ पॉलीपेप्टाइड एंड ए कोफैक्टर इज नोन एज होलोएंजाइम। होलोएंजाइम जो है वो ये इसके हॉलोएंजाइम जो है ये फुली फंक्शनल एंजाइम होता है, जब एंजाइम और कोफैक्टर का कॉम्प्लेक्स होता है उसको होलोएंजाइम कहते हैं। होलोएंजाइम रिवर्सिबल इनहिबिटर फॉर्म वीक लिंकेजेस, रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो वीक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं, जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वो फिर उतर जाते हैं।
तो रिवर्सिबल इनहिबिटर जो है वो दूसरी मोड होते हैं, और जब सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो इनहिबिटर उतर जाता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल स्ट्रेंथनिंग रिलीज पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ज्यादा होता है, यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसलिए द एंटायर सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज ऑफन रिगार्डेड एज ए सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड सेक्युलस। क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है। केमिकल वायरसेस आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का कैप्सूल होता है। वाइड स्प्रेड एपिडेमिक डिजीज इन्फ्लुएंजा इज कॉल्ड बाय आरएनए इन्वॉल्वड वायरस, मोस्टली जो खतरनाक डिजीजेस होती है वो आरएनए वाली वायरस की होती है, मसलन कोविड 19 हो गया, एचआईवी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस सी हो गया, ये सारी आरएनए इन्वॉल्वड वायरस। When the division of cell is in three planes, the arrangement is known as sarcina. इसको sarcina कहते हैं। Bacterial cell death rate is equal to birth rate in a stationary field. Trypanosoma, ये तो बार बार repeat हो रहा है। Frequent sleeping sickness cause करता है। The feeding stage of slime mold is a plasmodium. Slime mold की feeding stage क्या होती है? Plasmodium. कोलेस्ट्रोल को लो करने वाली कौन सी जगह है? जहाँ पे जिसके साथ स्टेटिन आ जाएगा, टोलोबा स्टेटिन। फंजाई स्टोर सरप्लस फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, फंजाई और थोड़े से यीस्ट हैं जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट। टॉक्सिकोलॉजिकल रोल ऑफ फंजाई एज ए डिकम्पोजर इज पैरेलल टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंजाई दोनों डिकम्पोजर हैं, ये अपना इंजाइम बाहर सरफेस पे रिलीज करते हैं, वो डाइजेस्ट होती है, वहाँ से फिर फूड को अब्सॉर्ब करते हैं, तो इसका पूरा पूरा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करती है और ये डिकम्पोजर भी होते हैं। वास्कुलर सिस्टम अब्सेंट, गैमेटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, होमोस्पोरस आर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। Which of the following features differentiate angiosperm from gymnosperm? Ovules, ठीक है, gymnosperm में ovules बाहर की तरफ नजर आ रहे होते हैं, लेकिन angiosperm में ये ovules के अंदर पैक, तो ovules major difference है। In Pakistan, furniture wood is mainly obtained from the member of family Fabaceae, ये भी बार बार repeat हो रहा है। Which of the following is exclusive characteristic of mammal? दो हैं, एक ears और दूसरा mammary glands। आगे 2011 का पेपर है। When chromosome uncoil, the nuclei are reformed and two nuclei are the two poles of the cell stage is known as telophase। जब दोनों अपने अपने पोल पे चले जाते हैं तो वो हाउ को रीजन स्टार्ट होने वाली है, उसको telophase कहते हैं। Mental tradition, short stature, broad face and squint eyes are the symptoms of Down syndrome. ये सारी के जिसमें 21st autosome जो है वो एक extra होता है, तो ये non-definition disorder की वजह से Down syndrome है। क्या metaformation take place during the process which is known as crossing over? क्या metaformation mission crossing over में Healing of wound and repair of the repair is the phenomena which take place by the process of mitosis. ठीक है, तो मियोसिस जब जर्म लाइन में होना होता है, डिवाइड तो अब मियोसिस और माइटोसिस, तो माइटोसिस जो है रिपेयर का काम करता है। Which of the following is the main cause of cancer? Mutation. ठीक है, mutation is the main cause of, तो कार्बोहाइड्रेट को जो बांड लिंक करता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं, प्रोटीन को जो लिंक करता है पेप्टाइड बांड कहते हैं, और जो लिपिड को लिंक करता है वो एस्टर बांड होता है। द बांड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज फॉर्म सुक्रोज इज अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक, तो इसमें अल्फा वन बीटा टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। In an amino acid in which R group is H, the name will be glycine. ग्लाइसिन एक वैर माइनो एसिड है जो जिसमें
दो एस ग्रुप होते हैं, एक साइड चेन पे और एक तो कांस्टेंट होता है सारे माइनो एसिड। इसलिए ये वाइल्ड माइनो एसिड है जो ए कायरल है, यानी कि जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, यानी कि इसमें ट्रिक है। फैटी एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग आर कार्बोक्सिलिक, ठीक है। एक एंड के ऊपर अल्काइल एंड होता है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एंड होता है फैटी एसिड, तो एक कार्बोक्सिलिक एंड और दूसरा अल्काइल एंड। पसोन्स आर यूज्ड इन जीन थेरेपी अगेंस्ट सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, और बाल का हेमोफिलिया में भी यूज हो जाते हैं। जेनेटिकली इंजीनियरिंग सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो सेल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ये सीवियर कंबाइंड अम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, जो डीएमआईनेज की डेफिशिएंसी हो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लीटिंग एंड कॉजिंग थिनिंग ऑफ, यानी कि ब्लीक हो जाना आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो थिनिंग करते हैं ओजोन लेयर की। द टिपिकल एनवायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कम्युनिटी इज कॉल्ड हैबिटेट, जहाँ पे वो रहते हैं, तो हैबिटेट की ये डेफिनेशन है। एक्सेसिव एनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट बाय ह्यूमन एक्टिविटी बाय व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मैटर ग्रोज इज कॉल्ड यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन बार बार रिपीट हो रहा है, 2008 में भी आया था, 2009 में भी, 10 में भी और अभी 11 में। इन इकोसिस्टम माइकोराइजी इज एन एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, इसमें दोनों को फायदा मिलता है, होस्ट और गेस्ट दोनों को फायदा मिलता है। सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन बाय व्हिच रीसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन की ये डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन तो आपको बड़ी अच्छी आनी चाहिए, खासकर फूड चेन और फूड वेब। The sex of individual of next generation always depends on one of the parents who is heterogametic. मसलन जो ह्यूमन है उसमें मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं। Which of the following will be hemophilic? इसमें ये वाला, क्योंकि वाई के ऊपर तो कोई ट्रेट होती नहीं है हेमोफिलिया, तो ये अगर एक भी लील आ गया एट अनदर लोकस द इंट्रैक्शन इज कॉल्ड एमिस्टेसिस, ये बार बार रिपीट हो रहा है, पिछले दिन में भी आया था, इसमें भी आ रहा है। द कंबिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद द बेस रिजल्ट इन कंपाउंड इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है जब तीन चीज़ें हों, पेंटोज शुगर भी हो, बेस भी और फॉस्फेट भी हो, अगर दो चीज़ें होंगी तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा, पेंटोज शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। And them and substrate act through a special feature are site present in them known as active site. Active site three dimensional product होती है, जहाँ पे substrate आग लगता है और वो product के अंदर change होता है। The non-protein part of them which is covalently and permanently bonded is called prostatic group. इसको हम क्या कहते हैं? Prostatic. अगर covalently जुड़ा है prostatic group, और अगर नॉन कोवलेंटली जुड़ा है तो उसको को सबस्ट्रेट है। वन ऑफ द पेरिनिट बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यानी कि एब्सेंट होती है डीएनए, वो यूरासिल है। यूरासिल सिर्फ आरएनए के अंदर होती है। इन देम इज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है व्हिच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए बायोकेमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन परऑक्साइड है, उसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने के लिए 78 किलो जोल पर मोल एनर्जी चाहिए, लेकिन अगर कैटलिस्ट एंजाइम आता है तो वो 8 किलो जोल पर मोल पे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो ये डिक्रीज कर देते हैं एंजाइम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वेल्प आरएनए वायरस एंड स्प्रेड इन एपिडेमिक फॉर्म, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड है,
हेपेटाइटिस सी है, ठीक है, तो ये खतरनाक है जिनके अंदर आरएनए है। इसी तरह एड्स है, द स्ट्रक्चर विच कंटेन द जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आर प्लाज्मिड, यानी कि वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के अंदर जीन रेजिस्टेंट जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। एंटीबायोटिक्स दैट किल माइक्रोब्स इमीडिएटली आर कॉल्ड माइक्रोबियल साइडल, ठीक है, यानी कि माइक्रोबियल साइडल, यानी कि माइक्रोबिसाइडल कहते हैं, फौरन से माइक्रोब को किल कर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काज द जाइंगल थ्रस, कैंडिडा, कैंडिडा जो है वो जाइंगल और मोस्ट दोनों के जरिए फैलती है। बॉडी कैविटी ऑफ राउंड वर्म इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम, राउंड वर्म की जो ब्लाडी होती है वो स्यूडोसिलोम। फैस्यूला इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ बाइल्ड, बाइल्ड के अंदर ये ट्राइकोसोमा इज ट्रांसमिटेड इन ह्यूमन बीइंग बाय सीसी फ्लाई, ये बाहर में रिपीट हो रहा है ट्राइकोसोमा स्लीपिंग सिकनेस जो। द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, तो एंडोडर्म होती है, एंडोस्पर्म इज फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो सेल्फ पोलिनेशन के नतीजे में बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट लीड इन द इनएक्टिव फॉर्म इन स्टमक, वो पेप्साइनोजेन होता है, पेप्साइनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है बाय पेप्सिन एंड एक्सीएल। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज एंड लिवर सेक्रेटर, ठीक है, सेक्रेशन हार्मोन ये बढ़ा देता है। इन लार्ज इंस्टेंस टाइम विटामिन की इज फॉर्मड बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसमें दोनों को पैदा पहुंच रहा हो वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी कि वो हमारी फूड खा रहा होता है बैक्टीरिया और साथ में विटामिन प्रोड्यूस कर रहा है। ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड विच स्ट्रक्चर इज क्लोज नेजल ओपनिंग सॉफ्ट प्लेट, ठीक है, सॉफ्ट प्लेट जो है वो होती है क्लोज नेजल ओपनिंग। द रिंग आर्टरियम ऑफ द राइट आर्टरियम ऑफ द हार्ट यूजली रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द लार्जेस्ट लिम्फ डक्ट कॉल्ड थोरैसिक लिम्फ डक्ट ड्रेन इनटू सबक्लेवियन, ये तो सिंपल है, सबक्लेवियन वेन में भी ड्रेन होती है, जाती होती है। विच प्रोटीन प्ले ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन क्योंकि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद ग्लोबुलिन होती है, फिर बाद में फाइब्रिन, तो एल्ब्यूमिन जो है इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, इसलिए ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प होती है। द प्राइम टाइप ऑफ ए ग्रैन्युलोसाइट विच स्टेज इन द ब्लड फॉर फ्यू आवर्स एंड देन एंटर इनटू टिश्यूज एंड बिकेम मैक्रोफेजेस आर मोनोसाइट, इसको हम क्या कहते हैं, मोनोसाइट। री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक प्लेस एट लूप ऑफ एनली, लूप ऑफ एनली में री एब्जॉर्प्शन होती है वाटर। एंटी डायरेटिक हार्मोन हेल्प री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग कलेक्टिंग टैंक के अंदर परमेबिलिटी ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस, डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोड्यूस इनटू दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, एब्डोमेन में ये डाला जाता है। एल्डोस्टेरोन का वर्ड आ गया तो सॉरी, ठीक है, एल्डोस्टेरोन हेल्प इन द कन्वर्जन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम द किडनी, ठीक है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन प्रोक्सिमल ट्यूब्स के अंदर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन। Our activity of sympathetic nervous system cause increase in heart rate. ये जो sympathetic nervous system की activity बढ़ेगी, heart rate भी बढ़ेगी। Which structure respond when they are stimulated by the impulse coming through the motor neuron? Effector जो हैं, वो respond करेंगे। Respiratory center located in the medulla, ठीक है? Respiratory breathing center located in the medulla part of your brain.
A neurological condition characterized by the involuntary tremors, diminished motor activity and rigidity is called Parkinson's disease. The Parkinson's disease the definition. A type of cell in human testes which produces testosterone is called interstitial cell. From interstitial cell category. Breakdown of endometrium during menstruation is due to decrease in the level of progesterone. During progesterone ka level decrease hota hai to fir ye breakdown endometrium ki start ho jati hai. Two gonia are produced in the germ cells known as ovary. Ovary neogonia produced. Which of the following disease can be prevented through vaccination? Measles and mumps, क्योंकि vaccine disease करते हैं, तो दोनों vaccine की disease हैं, तो इसके लिए आप vaccine use करें. AIDS और cancer different है, typhoid और cancer different है, malaria and AIDS different है. तो measles and mumps दोनों vaccine का करते हैं, तो इसके against पर हम vaccine use करते हैं. Newly produced cells individual which are identical in each other are known as genetically modified. Which of the following is a blood-borne disease? Isko hepatitis C jo hai wo blood-borne disease. The control of pest has traditionally been regulation by natural enemies, predator, parasite and pathogens. This type of control is known as biological control. Ki definition yaar likhi hui hai. तो डेफिनेशन में है आपको कह के अच्छी करें अगर आपने अपनी कैरेक्टर बायोलॉजी में अच्छे नंबर लिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसर्न्ड विद द सेल सेपरेशन. आपके ब्रेन में गॉल्जी अपैरेटस आ जाना चाहिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेंड बैक्टीरिया के अंदर होती है. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकांड्रिया इज फोल्डेड टू फॉर्म फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको क्रिस्पी कहते हैं. The interior of chloroplast is divided into heterogeneous structure embedded in the matrix known as grana. Grana के अंदर protein होते हैं. In which phase of the cell division the metabolic activity of the nucleus is high? Interphase में जो DNA है वो double हो जाता है. Luteinizing hormone trigger ovulation. Ovulation बढ़ा देता है luteinizing hormone. ये सारी syphilis जो है ये बड़ी repeat हो रही है बार बार. Is a sexually transmitted disease which is caused by Treponema pallidum. ठीक है, ये बार बार repeat होता है pallidum. Muscle is made up of many cells which are referred to as muscle fibers. The length of microfibril from one Z band to the next Z band is known as sarcomere. इसको हम क्या कहते हैं sarcomere. और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको साथ को लिखना है. कैल्शियम आयन प्लीज ड्यूरिंग ए मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शन कैच विद ट्रोपोनेट. ठीक है, ट्रोपोनेट के साथ है. ए मसल कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड आयनिक फैट्स इसको मसल फटीग है जिसमें लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है. द पिगमेंट विच स्टोर ऑक्सीजन इन मसल मायोग्लोबिन होता है. क्या मायोग्लोबिन मसल में ऑक्सीजन के साथ बड़ी ज्यादा. Neurosecretory cells are present in which part of the brain? Hypothalamus. Hypothalamus में ये. Which of the following is the function of glucagon hormone? ये glycogen को glucose में convert करता है. During starvation condition. Addison disease is caused due to the destruction of adrenal cortex. Adrenal cortex जहाँ पर बिल्कुल खत्म हो जाता है या destroy हो जाता है उसको Addison disease. Which of the following hormone is made up of myelicid and their derivatives? Epinephrine or norepinephrine. ये derivatives से बने होते हैं. Like phenylalanine और उससे जो product बनते हैं. Tyrosine. Thymus gland is involved in the maturation of T lymphocyte. T for thymus, T for T lymphocyte. In passive immunity, which of the following components are injected into blood? Antibodies, immunoglobulins, these antibodies.
Mucous membrane are the part of body defense system, and they are physical barriers. Immediate protection is obtained from passive immunity. The immunity in which T cell recognize the antigen and the microorganism is known as cell mediated immunity or response. Oxidative level of phosphorylation synthesis of ATP in the presence of oxygen occur in the all primitive cells. Glycolysis is a breakdown of glucose into two molecules of pyruvate. A glycolysis ki definition. Before entering the Krebs cycle, the pyruvate is first decarboxylated and oxidized into acetyl-CoA or acetic acid. Some electrons from the second primary acceptor may pass back to the chlorophyll molecule by electron carrier system, yielding ATP. This is called acyclic phosphorylation ki definition. Thus, this scheme is used for non-cyclic photophosphorylation. The common vectors used in computer DNA technology are plasmid used in the computer. The enzyme used to isolate the genes from DNA is called restriction enzyme. You cut karte hain specific location. Which one of the following enzyme is a temperature insensitive tag polymerase? ये 90 plus तक ये temperature बर्दाश्त कर सकते हैं। ये bacteria से असर करते हैं, जिसको thermophilus aquatics कहते हैं। और अगर ये आपको video पसंद आई है, तो चैनल को subscribe कर दें और share कर दें।